है। सबसे बड़ा आभार मैं आप श्रोताओं का करता हूं, इतनी देर तक आप बैठे रहे, धैर्य बनाए रखा, ध्यान से सुना, और विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों का मैं धन्यवाद करता हूं। जब भी हम उनसे ये ग्राउंड मांगते हैं वो कभी हमें मना नहीं करते, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आशा है भीनमाल के प्रबुद्ध नागरिकों का प्रेम वेद विज्ञान मंदिर को मिलता रहेगा। ओम शम। ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि गाड़ी लगी हुई है, आप लोग पहले भागल भीम पहुंच जाएं ताकि अतिथियों के आने से पूर्व कुछ आवश्यक। भागल भीम के अंदर जो वैदिक विज्ञान मंदिर आप लोगों के सहयोग से बना है, वह प्रतिवर्ष नए नए आयाम उसमें जुड़ रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों की हर प्रकार की मदद वहां मिलती है, उसी का परिणाम है कि महर्षि ब्रह्मा अनुसंधान केंद्र वहां पर स्थापित हुआ, जिसके तहत दो हॉल, एक कमरा और यज्ञशाला, इस तरह से एक बड़ा निर्माण कार्य वहां पर हुआ है, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत योगदान रहा। उसका उद्घाटन भी होगा और ठीक 6 बजे प्रोफेसर आवास मित्रा जी, राव साहब, आचार्य जी एवं उनके सहयोगी संरक्षक, मानद संरक्षक, समस्त अपने ट्रस्टी, इन सब की टीम वहां जाकर उसके उद्घाटन में शरीक होगी। भीनमाल के नागरिकों से भी मेरा यह अपील है, निवेदन है, आप लोग भी सहर्ष वहां पर आमंत्रित हैं और उस कार्यक्रम में शरीक हों। अब शांति पाठ करें, शांति पाठ करके इस कार्यक्रम का उपराम करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गोष्ठी भाई। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। आर्य समाज अमर है। वेद की ज्योति जलती है। ओम का झंडा ऊंचा है। गौ माता का पालन हो। प्रणव ध्वनि ओ लगन लगा दे भगवान, तारियों को पहली लगन लगा दे, नैतिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, नैतिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान तारियों। गली गली से
हर घर गली गली से अर्जुन वकर्ण जैसे योद्धारण थली से भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि फिर से कोई दयानंद फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आरियों को पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर विठलाई ने सिखा दे भगवान आरियों को जो गोलियों से ऐसे हूँ लाल पैदा खेले जो गोलियों से भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से मुझे ये देश मेरा ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्यन्तु हृवयसेमहि देवहितं यदायुः जयते ओम ध्वज व्योम विहारी जयते ओम ध्वज व्योम विहारी विश्व प्रेम प्रतिमायते प्यारी विश्व प्रेम प्रतिमायते प्यारी सत्य सुधा सरसाने स्नेहलता सरसाने वाला
वाला विश्व विमोहक भव भय हारी विश्व विमोहक भव भय हारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी पर सब धर्म धुरी जन वैदिक रवि का हो शुभ उदयन वैदिक रवि का हो शुभ उदयन आलोकित हो वेद से सारी आलोकित हो वेद से सारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी इससे सारे क्लेश समन हो इससे सारे क्लेश समन हो दुर्मति दानव देश दमन हो दुर्मति दानव देश समन हो अति उज्ज्वल अति पावन मन हो अति उज्ज्वल अति पावन मन हो प्रेम तरंग बहे सुखकारी प्रेम तरंग बहे सुखकारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी ध्वजा के नीचे आकर इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर मिले विश्व मुद मंगल गाकर मिले विश्व मुद मंगल गाकर पंथाई पाखंड विसारी पंथाई पाखंड विसारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी इस ध्वज को लेकर हम कर में इस ध्वज को लेकर हम कर में भर दे वेद जान घर घर में भर दे वेद जान घर घर में सुभग शांति फैले जग भर में सुभग शांति फैले जग भर में मिटे अविद्या की अंधियारी मिटे अविद्या की अंधियारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे सत्य अहिंसा को अपनावे सत्य अहिंसा को अपनावे जग में जीवन ज्योति जगावे जग में जीवन ज्योति जगावे त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी आर्य जाति का सुयश अक्षय हो आर्य जाति का सुयश अक्षय हो आर्य ध्वजा की अविचल जय हो आर्य ध्वजा की अविचल जय हो आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो आर्य
जनों का ध्रुव निश्चय हो। आर्य बनावे वसुधा सारी, आर्य बनावे वसुधा सारी। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, विश्व प्रेम प्रतिमा। भारत माता की जय। बलिदानी वीरों की जय। बलिदानी वीरांगनाओं की जय। संसार के महान पुरुषों की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव माननीय डॉक्टर मित्रा साहब, माननीय प्रोफेसर राव साहब, अनुपस्थित जनों, इस आश्रम का नाम है वेद विज्ञान मंदिर और इसमें सबसे मुख्य भवन है महावैज्ञानिक महर्षि ब्रह्मा अनुसंधान मंदिर। इसका नामकरण ऐसा क्यों हुआ? हमारी विद्या की परंपरा, विज्ञान की परंपरा महर्षि ब्रह्मा से प्रारंभ होती है, इसलिए इस भवन का नाम रखा महर्षि ब्रह्मा। वो न केवल आध्यात्मिक पुरुष थे बल्कि बहुत बड़े वैज्ञानिक पुरुष थे, उनका ब्रह्मास्त्र प्रसिद्ध हुआ करता था। इसमें आप देखेंगे तो महादेव भी वैज्ञानिक थे, विष्णु भी वैज्ञानिक थे, इंद्र है, भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं और बृहस्पति और अस्त्र, इतने इसमें नाम है। वेद के विज्ञान में अगर प्रवेश करना है तो आपको घुसना कहां से पड़ेगा? रास्ता कहाँ है? रास्ता है वह महर्षि दयानंद द्वार, उस द्वार का नाम है महर्षि दयानंद। अगर महर्षि दयानंद के द्वार में से नहीं निकले तो वेद में से कोई विद्या नहीं दिखाई देगी और ऋषियों का कोई विज्ञान विद्या प्रकाशित नहीं होगा। ऋषियों का विज्ञान देखना है, ऋषियों की विद्या देखनी है, चाहे आध्यात्मिक चाहे पदार्थ विद्या फिजिकल साइंस, महर्षि दयानंद के द्वार में से आना होगा, इसलिए हमारे गेट का नाम है महर्षि दयानंद। उसके बाद आता है महर्षि दयानंद जी ने वेद विद्या को कैसे सीखा, तो सबसे पहला स्रोत व्याकरण, तो महर्षि पाणिनि का प्रवेश करते हैं। दूसरे व्याकरण के विद्वान महर्षि पतंजलि और तीसरे निवृत्त विद्वान जिसे वेद ज्ञान आता है यास, महर्षि यास। उसके बाद है दर्शनकार हैं कपिल कणाद और वेद व्यास जी, अभी तीन हैं। तो ये नामकरण इसलिए है कि ऋषि दयानंद के रास्ते पर चले तो वेद भी समझ में आएगा और ऋषि दयानंद का रास्ता नहीं चले सांड का चले तो वेद समझ में नहीं आएगा। फिर उसमें पशु बलि, अश्लीलता, सेक्स और बहुत सारी अवैज्ञानिक बात, बुद्धि विरुद्ध बातें मिलेंगी। तो आज इस महावैज्ञानिक महर्षि ब्रह्मा जी के नाम से जो भवन बना है उसका उद्घाटन वर्तमान के महान वैज्ञानिक आप मित्रा से पहली बार ये अपने जीवन में है पब्लिक मीटिंग में आए, वो भी इस छोटे से गांव। ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। मैं समस्त न्यास की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आप दो शब्द सबको थोड़ा मार्गदर्शन, आप भी आप। मैंने पहले बोला आपने अपनी जो साधना है उसको गवेषणा भी कर रहे हैं कई सारे तरंग और उसमें आपने विचार निश्चय किया और आप कहीं से बारीक तरीका से सोचने की कोशिश करते हैं, ये विज्ञान के लक्ष्य है। या जो नामकरण भी किया उसने आपकी काफ़ी बारीक तरह से सोचा, उसके नामकरण किया रैंडम नहीं किया और मैं चाहूँगा आपकी प्रतिष्ठा सफल रहे। उसमें कहाँ से कितना सफलता मिलेगा मालूम नहीं। एक्चुअली ज्ञान की कोई भी जो मार्ग है कठिनाई से भरा हुआ है, शायद आपके
कठिनाइयां और बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कुछ ज्ञान पाने के लिए पूरा जिंदगी भर का साधना का जरूरी है, तो ऐसा साधना करने का सही करने वाला लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसा पूरा जिंदगी साधना करने में, जिंदगी गुजारने में तय किया अपना अग्निव्रत जी, हम बहुत आपका आभारी है। और ये सब करने के लिए आपको सपोर्ट दे रहे हैं सब लोग, मेरे लगता है आप लोग का बहुत आभारी पक्का है। और मैं आशा है कि आपका साधना संपूर्ण हो और आप देखिए जो कुछ वैदिक ज्ञान आधुनिक ज्ञान को मिल जोड़ कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का आपका साधना संपूर्ण हो, ऐसा मैं आशा है। धर्म की जय हो। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर स्वामी अग्निव्रत जी नेस्ट के परिश्रम से, उनके त्याग से, उनकी तपस्या से एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर भवन वैज्ञानिकों के शोध कार्य के लिए यहाँ पर आज निर्मित हुआ है। और उसका उद्घाटन देश के ही नहीं बल्कि विश्व के दो बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति में उनके करकमलों के द्वारा आज यहाँ ये इस भवन का उद्घाटन हुआ है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं आप दोनों को पा करके। और जैसा कि आपने भी कहा, हमें पूरा विश्वास है कि स्वामी जी की तपस्या और आधुनिक विज्ञान का सहयोग, इन दोनों ये मिलकर के भारतवर्ष की ओर से एक नया संदेश जाएगा। और हम ये साबित करने में सफल होंगे कि वेदों में जो कुछ लिखा है वो भी कितना अकाट्य सत्य है। और जैसा कि आपने बताया कि हमको ये बतलाना पड़ेगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, जो लिखा है वो पॉसिबल कैसे, तो वो भी उसको करने में स्वामी जी काफ़ी अपनी दिनरात की उसमें जुटे हुए हैं। और पूरे समाज का सहयोग आपके साथ है स्वामी जी, पूरे भारत का सहयोग आपको मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये निश्चित रूप से आपका जो आपने एक लक्ष्य अपने सामने रखा है उसमें निश्चित रूप से आप सफल होंगे। उन्हें मैं गुजरात प्रांत की ओर से और राजस्थान की तरफ से यहाँ के सभी ट्रस्टियों की ओर से दोनों महान वैज्ञानिकों को बहुत उनके प्रति आभार करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धेय आचार्य, दोनों महान वैज्ञानिक कार्य साथियों, महर्षि दयानंद महाराज से जब पूछा गया कि तुम्हारे वेद भाष्य को तुम्हारी मान्यता हम क्यों माने, आपकी मान्यता क्या है, तो ऋषि कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो मान्यताएं इस देश में थी वही मुझे मान्य है। आज हम ये कहते हैं ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जो मान्यता है हम उन्हें मानते हैं। और एक दिन वो आएगा कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनीपुर मुनि पर्यंत, जैमिनी से लेकर महर्षि दयानंद उदयन से आचार्य अग्निव्रत पर्यंत जो जान आज तक चला रहा है वो आगे आए। शांति सर्वं शांति शांति।